अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और एक्स्ट्रा सम्स पे. इफ यू विल सी दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर ग्रुप वन के नोट्स में, ठीक है. तो अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो वो देख लो, उसके अंदर ऑलरेडी ये सब किया हुआ है हम लोगों ने. देन ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है. दिस इज ऑल्सो डन. चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला भी टाइप हो चुका है अपना ऑलरेडी. ग्रुप वन के वीडियोस में हम लोगों ने ये सब पॉइंट कवर किया हुआ है, राइट. फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ वाला सम भी किया हम लोग ने, ओके. देन ये सम भी हो गया अपना. दिस इज ऑल्सो डन इन ग्रुप वन नोट्स. दिस इज ऑल्सो डन. ये इसका तो वीडियो भी है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप वन. ये भी ग्रुप वन का ही है. इसका तो वीडियो भी है शायद से. ये भी इजी है, कर सकते अपन. हाँ, इसका तो वीडियो भी है. ये जो सम है, हाँ, अम्ब्रेला वाला सम, ये भी ऑलरेडी हो चुका है. दिस इज ऑल्सो ग्रुप वन के नोट्स में का है. ये ऑलरेडी किया है. शट डाउन सेल्स वाला है. देन दिस इज ईजी एक्सपांशन, ये भी ऑलरेडी हुआ है सम. ओके, तो यहाँ तक तो सब सम हो चुका है, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अ मैन्युफैक्चरर विथ ओवरऑल इंटरचेंजेबल अमंग द प्रोडक्ट्स, मतलब एक मैन्युफैक्चरर है वो, है ना. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी एंड सी, और वो क्या बोल रहा है, इंटरचेंजेबल है. मतलब उसको बोलोगे कि तुम सिर्फ ए बनाओ, सिर्फ बी बनाओ, सिर्फ सी बनाओ, या तुम उसको बोलोगे ए बी सी तीनों बनाओ, इतना इतना यूनिट्स बनाओ, तो जैसा बोलेगा वैसे वो लोग इंटरचेंज कर सकता है अमंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मशीन आवर्स, ओके. तो बताओ फटाफट क्या दिया है की फैक्टर. सर की फैक्टर जो है दैट इज मशीन आवर्स, ठीक है. चलो एज ऑफ नाउ तो उसने ये बोला कि कैपेसिटी जो है वो 1 लाख मशीन आवर्स का कैपेसिटी है, ओके. देन हैज बीन सो फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी ईच, ओके. तो अगर हम लोग बात करें तो एज ऑफ नाउ वो कितना कितना यूनिट्स बना रहे हैं. ए का कितने यूनिट्स बना रहे हैं, ए का वो बना रहा है 15,000 यूनिट्स, राइट. बी का 10,000 यूनिट्स एंड सी का वो भी 10,000 यूनिट्स. तो प्रेजेंटली वो ऐसे टाइप से अपना यूनिट्स बना रहे, ओके. ऑन एक्सपीरियंस द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिव ऑफ हिज फिक्स्ड चार्जेस इज फाउंड टू बी कितना, 2,09,000. 2,09,000. चलो क्या बोला है एक बार समझ लेते हैं. उसने बोला है
टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, टोटल कॉस्ट विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब छोड़ के, किसको, एक्सक्लूसिव ऑफ इस फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड चार्जेस इज फाउंड टू बी 2,09,000। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो बताओ क्या मिलेगा, सर वेरिएबल कॉस्ट। बस तो वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, ये जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 2,09,000, ओके। तो जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, 2,09,000, ओके। चलो आगे चलते हैं। एंड और क्या बोला, एंड द कॉस्ट रेशियो, ओ हो, कॉस्ट का रेशियो बोला है, रेशियो, ओके। द कॉस्ट रेशियो अमंग द प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली इज 1, 1.5 एंड 1.75 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट, ओके। मतलब अगर मैंने ये बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर मैंने ये बोला कि किसी एक का अगर हम लोग ले लेते हैं एक्स, राइट, तो रेशियो क्या बोल रहा है पहले वो बताओ, 1, 1.5, 1, 1.5 एंड 1.75, ठीक है। याद रखना ये रेशियो है, रेशियो। तो रेशियो में जैसे अगर मैंने बोला, देखो ध्यान से सुनो, 5,000 को डिवाइड करो इन द रेशियो 3:2, ये डिवाइड करना कितना इजी है कि 5,000 को डिवाइड करो इन द रेशियो 3:2। हम लोग तो कब से करते आ रहे, कैलसी में तो फटाक से हो जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉजिकल बात करूं तो यहां पर एक कॉमन मल्टीपल होता है एक्स, तो यहां पे 3 × x हो जाता है 3x और 2 × x हो जाता है 2x, और जब दोनों को प्लस करते तब जाके मिलता है 5,000। तो यहां पर एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। तो वो अमाउंट बन जाता है, क्या बन जाता है, अमाउंट। तो देखो अभी 3x प्लस 2x टोटल 5x, 5x इज इक्वल टू 5,000, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1,000। और जैसे ही x 1,000 मिल गया तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 3,000 और 2x का वैल्यू आ जाएगा 2,000, जो हम लोग नॉर्मल कैलसी में भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने तुम लोग को क्या बताया कि किसी भी रेशियो में अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको इजीली समझ में आ जाएगा कि रेशियो में हम लोग हमेशा रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो चलो यहां पे भी हम लोग ले लेते हैं कॉमन मल्टीपल एक्स, एक्स एंड एक्स। तो ये बताओ ये क्या है, सर ये है अपना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का कौन सा यूनिट, सर पर यूनिट, ओके। तो बताओ फटाफट मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कैसे मिलेगा, सर वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है। देखो ना 15,000 यूनिट्स है और एक का है 1x, तो ये हो जाएगा 15,000x। यहाँ पे 10,000 है इंटू 1.5, तो वो भी 15,000x ही आ जाएगा। और ये है 10,000 यूनिट्स इंटू 1.75, दैट कम्स टू 17,500x। तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बात करूं यहां पे, क्योंकि पर यूनिट इनटू यूनिट्स किया है, राइट,
हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मिलेगा, कितना आएगा? 15 3 45, 46, 47,500, 47,500x इज माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। लेकिन लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट सामने से दिया है 2,09,000 और हमने कैलकुलेट किया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 47,500x। तो क्या हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 47,500x इज इक्वल्स टू 2,09,000, राइट? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x विल बी 2,09,000 डिवाइडेड बाय 47,500, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2,09,000 डिवाइडेड बाय 47,500, so that comes to 4.4. तो बताओ फटाफट, यहां पे अगर मैं x के जगह पे 4.4 लिखता हूं तो what is my variable cost per unit? सर variable cost per unit हो जाएगा यहां पे 4.4, यहां पे x के जगह पे 4.4 into 1.5, तो वो बन जाएगा 6.6, एंड सिमिलरली 1.75 इंटू 4.4 दैट गिव्स मी 7.7। तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट फॉर ए? सर 4.4, फॉर बी 6.6, एंड फॉर सी इट इज 7.7। क्या ये पॉइंट सब लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट हो गया? श्योर? तो मैं चलो एक बार फिर से रीड कर देता हूं। यहां पे देखो उसने दिया था, क्या दिया था? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कॉस्ट, लेकिन बोले एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट को छोड़ के, तो कॉमन सेंस से बचा क्या? वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना बोला? 2,09,000, एंड बोला है कॉस्ट का रेशियो। याद रखना रेशियो में हम लोग ने क्या किया? कॉमन मल्टीपल एक्स ले लिया है, तो ये जो 1 था वो बन गया 1x, 1.5 था 1.5x, एंड दिस बिकम 1.75x। तो ये जो अमाउंट है वो पर यूनिट है, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट्स के साथ, तो इस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने यूनिट्स के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल गया? अमाउंट मिल गया। फिर उसी अमाउंट का हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कर लिया और उस टोटल को कंपेयर कर लिया 2,09,000 के साथ। तो जैसे ही कंपेयर किया तो हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, एंड x का वैल्यू आ गया 4.4। वो 4.4 हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे इंडिविजुअली सबका वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। ओके श्योर, आगे चलते क्या लिखा है? उसने बोला है द फिक्स्ड चार्जेस कम्स टू ₹2 पर यूनिट। ओके, तो फिक्स्ड चार्जेस क्या बोल रहा है? कम्स टू ₹2 पर यूनिट, राइट? सो कितना यूनिट्स है अपने पास मेरे को बताओ? तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी अवर फिक्स्ड कॉस्ट? देखो याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा अमाउंट में होता है, राइट? तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं करंट का बात करूं, करंट का तो ए का है 15,000 यूनिट्स, प्लस बी का है 10,000, प्लस सी का है 10,000, तो अगर हम लोग टोटल कर ले तो इट बिकम्स 35,000 इंटू फिक्स्ड कॉस्ट एट ₹2, सो दैट कम्स टू 35,000 इंटू 2, सो दैट कम्स टू 7,070,000। ओके चलो आगे चलते हैं। फिर वो क्या बोलता है? When the unit selling prices are 6.25,
फॉर ए, 7.5 फॉर बी एंड 10.5 फॉर सी, ही इनकर्स अ लॉस। वो क्या बोल रहा है, अगर ये सब इन लोगों का सेलिंग प्राइस होता है तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसने क्या किया, तीन अलग टाइप के मिक्स ट्राई किए, मिक्स वन, मिक्स वन, मिक्स टू एंड व्हाट, मिक्स थ्री, राइट। तो प्रेजेंटली वो कुछ बना रहे और उसने यहां पे क्या किया, ये तीन टाइप के मिक्स उसने ट्राई किए। अब वो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हाट मिक्स यू रेकमेंड। तो देखो कौन सा वाला मिक्स बेटर रहेगा, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा वो वाला, राइट ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा यहां पे ध्यान दो, ए बी और सी तीन प्रोडक्ट है और यहां पे अपन कर देते हैं टोटल, ठीक है। चलो सेलिंग प्राइस ए का कितना है सर, 6.25, बी का 7.5, सी का 10.5। कभी भी ना सेलिंग प्राइस का टोटल नहीं होता है, सेलिंग प्राइस मतलब एक यूनिट का प्राइस, उसमें टोटल क्या आएगा, माइनस माइनस वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट। चलो वेरिएबल कॉस्ट कितना था, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट ऑलरेडी कैलकुलेट किया अपन ने, 4.4, 6.6, 7.7, इसका भी कुछ नहीं होना है। तो बोलो क्या मिलेगा, सर हमको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। चलो 6.25 इंटू 4.4, सॉरी इट शुड बी माइनस माइनस 4.4, सो दैट कम्स टू 6.25 माइनस 4.4, 1.85। मतलब एक यूनिट अगर मैं ए का बेचता हूं तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 1.85। सिमिलरली 7.5 माइनस 6.6 दैट गिव्स मी 0.9 एंड क्या, 10.5 माइनस 7.7 सो दैट गिव्स मी 2.8, राइट। तो ये क्या है, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को अगर मैं बेचता हूं तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट्स के साथ तो मुझे क्या मिलेगा सर, तब तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। क्या मिल जाएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बोलो ए का कितना यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, सर ए का 15,000, बी का 10,000 और सी का वो भी 10,000, अगर अपन प्रेजेंट का बात करें तो, राइट। 1.85 एक यूनिट का इंटू 15,000 सो दैट कम्स टू 27,750, यहां पे आ जाएगा 9,000 और ये आ जाएगा 28,000। सो टेल मी व्हाट इज माय टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, तीनों प्रोडक्ट को मिला के व्हाट इज माय कॉन्ट्रीब्यूशन, सर 27,750 प्लस 9,000 प्लस 28,000, तो मेरा प्रॉफिट है, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 64,750। मेरा जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 64,750, इसमें से माइनस कर देंगे अपना फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। बताओ फटाफट व्हाट इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट, सर अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 70,000, माइनस कर दो 70,000, सो व्हाट विल बी द आंसर। तो माइनस कर देंगे 70,000, आंसर इज 5,250 नेगेटिव, मतलब कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस। और वो चीज ऑलरेडी उसने बोला ही इनकर्स अ लॉस, मतलब जो अभी प्रेजेंट उसका जो मिक्स है 15,000 10,000 10,000, इसमें प्रेजेंटली उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे,
उसी मिक्स को चेंज कर देंगे ए बी और सी के हिसाब से, और चेक करेंगे किस में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब यहां पे जैसे हम लोग ने सॉल्व किया, तो यहां पे हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस ले लिया, माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग को मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, वो हर जगह पे सेम रहेगा, लेकिन लेकिन ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स 15,000, 10,000 और 10,000, दिस इज गोइंग टू चेंज फॉर मिक्स वन, फॉर मिक्स टू एंड फॉर मिक्स थ्री। ये तीन अलग मिक्स है, तो उसके हिसाब से यूनिट्स चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, तो फाइनली प्रॉफिट या लॉस भी क्या हो जाएगा, चेंज। ओके जरा इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे किया है। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट उसमें क्या किया वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एट प्रेजेंट मिक्स, जो ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है, प्रेजेंट मिक्स सेलिंग प्राइस लिखा है तीनों का, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट्स के साथ, तो मिल गया है टोटल कंट्रीब्यूशन, उस टोटल का भी टोटल ले लिया, माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट 70,000, तो यहाँ पे हो गया है 5,250 का लॉस। तो प्रेजेंटली कंपनी क्या कर रहा है, लॉस में जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग पहले वाले मिक्स पे। मिक्स क्या था, 18,000 ए का, 12,007। तो देखो मिक्स नंबर वन, 18,000 ए का, 12,000 बी का, 7,000 सी का, ये हो गया अपना यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, बताओ फटाफट क्या था सर, 1.85, 9.9 एंड 2.8, वेरी गुड। तो देखो 1.85, 0.9 एंड 2.8, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, उसका टोटल ले लो, माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, तुमको मिल जाएगा प्रॉफिट। फटाफट मुझे बताओ 6,300 का प्रॉफिट है या लॉस? सर ये तो लॉस है, क्यों? कंट्रीब्यूशन 63 है, फिक्स कॉस्ट 70 है, खर्चा ज्यादा हो रहा है तो कॉमन सेंस से लॉस ही होगा। ओके सेकेंड वाला, 15,000, 6,000 और 13, सेकेंड वाला केस 15,000, 6 एंड 13 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन का पर यूनिट करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका टोटल कर लिया, माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम लोगों को मिल गया है प्रॉफिट एंड दैट इज 450, और वो नेगेटिव है इसलिए वो क्या बन गया है, लॉस। ओके तो सेकेंड केस में भी लॉस हो रहा है। नाउ लेट्स सी द थर्ड केस। थर्ड केस में व्हाट आर माय यूनिट्स, 22,000, 8,000 एंड 8,000। तो लेट्स वेरीफाई, अगर मेरा यूनिट्स है, अगर मेरा यूनिट्स है 22,000, 8,000 एंड 8,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका टोटल ले लिया, उसमें से फिक्स कॉस्ट क्या कर दिया, माइनस, और पहली बार 300 रुपए का क्या हुआ है हम लोगों को, प्रॉफिट, राइट। तो बताओ फटाफट कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है, दैट इज मिक्स थ्री, सिंपल, क्योंकि वहां पे 300 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ओके